आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का महापर्व सोमवार 3 जुलाई को मनाया गया। इस पावन अवसर पर कोलारस पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में भाग लिया और गुरु मुनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान महेंद्र सिंह यादव जी का सभी लोगों ने जमकर स्वागत किया। महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अपने गुरु के प्रति आस्था और प्रेम भाव प्रकट करने का महापर्व होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। गुरु के दिए ज्ञान से हमें जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत का ज्ञान मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता, सफलता और सुख शांति गुरु के द्वारा दिखाए गए सच्चे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में गुरु हमेशा से ही पूजनीय माने गए हैं एवं सभी को गुरु पूर्णिमा पर शुभकामनाएं भी दी। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है कि जो भी हमारे गुरु हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा के गुरु हों, चाहे हमारे धर्म गुरु हों, चाहे हमारे किसी भी रूप में गुरु रहे हों, चाहे राजनीतिक गुरु हो, गुरु का मतलब ये है जिसने हमें हाथ पकड़ करके कुछ सिखाया, हमें रास्ता दिखाया, उस गुरु के लिए एक बार साल में ऐसा मौका आता है कि हम उनको नमन करें, उनको किसी भी रूप में जा कर के कुछ दान दक्षिणा दें इस रूप में कि मैं आपका शिष्य हूँ। क्योंकि गुरु जो है हमेशा पिता के बाद में अगर कोई है तो गुरु है जो आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग लोगों को नीचा दबाने का काम करती हैं या नीचे ढकेलने का काम करते हैं, लेकिन एक पिता ही है जो कहता है मेरा बेटा आगे बढ़े, या फिर गुरु है जो कहता है कि मेरा से मुझसे भी और आगे जाए। तो गुरु पूर्णिमा पर मैंने भी, मेरे पिताजी और मैंने गोदावरी वाले महाराज थे उनसे हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली थी। और उसके बाद में जो जब मेरी उम्र 20 साल थी और उसके बाद में अभी 2000 से हम गायत्री परिवार से जुड़े, तो गायत्री परिवार के जो गुरुजी है पंडित श्रीराम शर्मा जी, उनको भी हमने अपना गुरु बनाया। और गुरु तो जितने हो सके बनाते रहना चाहिए, क्योंकि हर लाइन में कोई ना कोई गुरु अगर है तो वो ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और गुरुओं के नमन और गुरुओं के प्रणाम से, गुरुओं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ सकती हैं, ये आपको अपने दिमाग में और दिल में रखना चाहिए। तो हमेशा मैं तो यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुओं को याद करें, हो सके तो उनको जा कर के प्रणाम करें, नमन करें और उनका आशीर्वाद लें। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और सब लोग जो है ऐसे उस पर अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करें, धार्मिक कार्यों में दिन भर बिताएँ, ऐसी सभी को बहुत बहुत बधाई।